नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, दैट इज NMC बिल। इस बिल के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ये दावा करती है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर कर देगी। BAMS, BHMS वाले स्टूडेंट्स भी MBBS डॉक्टर जैसे प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जब स्टूडेंट्स को इतना बेनिफिट हो रहा है तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि जो कई स्टेट्स के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल एज अमेंडेड बाय राज्यसभा बी पास्ड, दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड, दोज इन फेवर विल प्लीज से आय। द बिल एज अमेंडेड इज पास्ड। We are protesting against the NMC bill. दोस्तों NMC बिल एक ऐसा बिल जो इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 2019 में प्रपोज किया था लोकसभा में, और ये बिल प्रपोज किया था हमारे एक्स यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। जुलाई 2019 में लोकसभा से इस बिल को अप्रूवल मिल गया, और उसके बाद इस बिल को अगस्त 2019 में राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल गया, और ये अप्रूवल दिया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। NMC बिल इंप्लीमेंट करने पर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग करप्शन हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग इश्यूज हो रहे हैं जो कि MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैंडल नहीं कर पा रहा है, उस चीज को रिजोल्व करने के लिए एक नेशनल मेडिकल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। ये बिल राज्यसभा एंड लोकसभा की परमिशन के जस्ट बाद ही 2019 में ही इंप्लीमेंट होने वाला था, बट COVID-19 पैंडेमिक के चलते इस बिल में डिले हो गया। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इस बिल से इंडियन गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इनका क्या सॉल्यूशन है। तो ये सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करने वाला है। उस कमेटी में टोटल 33 मेंबर्स होंगे, इसमें से एक चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिस मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम वर्कर्स। जो एक चेयरपर्सन होगा वो इलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा डर यही लग रहा है कि जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो चेयरपर्सन था वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता था, वहीं NMC में चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। तो डॉक्टर्स का इसको लेकर सीधा सा कंसर्न है कि अब पूरी मेडिकल अथॉरिटी एक पर्टिकुलर बॉडी के पास चली जाएगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बिल का दूसरा पॉइंट है कि जो भी नॉन एलोपैथिक अथॉरिटीज है, जैसे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर्स, वो सभी भी एक लिमिटेड अमाउंट में एलोपैथिक ड्रग्स दे सकते हैं। इसके लिए उनको एक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा, और जैसे ही उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट होगा वो भी एलोपैथिक ड्रग्स देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो इश्यूज उन्हें फेस हो रहे हैं कि उनका कहना है कि उनका एक बार वेरिफिकेशन नॉन एलोपैथिक की फील्ड में हो चुका है, और वहीं उन्हें एलोपैथिक की फील्ड में अप्रूवल के लिए दूसरी अथॉरिटीज के पास जाकर खुद को वेरीफाई करना होगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और ये है कि जब भी नॉन एलोपैथिक डॉक्टर एक एलोपैथिक ड्रग लिखेगा तो उसको अपने रिसिप्ट में ये पर्टिकुलर मेंशन करना होगा कि उस ड्रग्स का सिम्टम्स क्या है, उस ड्रग्स से डायग्नोसिस क्या है, उस ड्रग्स का कितना इंपैक्ट होगा, कितना इंपैक्ट नहीं होगा। और इस बिल से गवर्नमेंट को ये यकीन है कि जो भी वर्कर्स का, जो भी नर्सेस का, जो भी डॉक्टर्स का शॉर्टेज हो रहा था जो हमने पैंडेमिक के टाइम में फेस किया, इस बिल के आने से एलोपैथी की फील्ड में उन डॉक्टर्स का शॉर्टेज, नर्सेस का शॉर्टेज कम हो जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम में स्टूडेंट्स का, यानी कि आपका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑल ओवर इंडिया के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम होना चाहिए जो कि है नीट का एग्जाम। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट की फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस के इक्वल होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस 2 लाख रुपए लगती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट पर फीस 2 लाख रुपए ही लगेगी। इसके साथ साथ NMC बिल के सेक्शन 15 में ये भी मेंशन किया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट MBBS परस्यू करता है तो उसको अपने कंप्लीट कोर्स के बाद एक लाइसेंसियर एग्जामिनेशन देना होगा, एक लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन देना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट वो एग्जाम अप्रूव कर लेता है तो उसको मेडिकल की फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा, वही अगर वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको मेडिकल की फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि NMC बिल पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और कहां कहां हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने नीट के एग्जाम को वन एंड ओनली एग्जाम इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अनाउंस किया, तभी काफी लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, वहीं काफी लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नीट के एग्जाम के साथ कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स को स्टेट लेवल कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। इसी मैटर को लेकर तमिलनाडु के काफी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हाई कोर्ट में अपील भी की, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग 16th August 2022 को है। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को ये भी कंसर्न है कि अगर BAMS एंड BHMS वाले स्टूडेंट्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा के MBBS का प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए परमिशन दे दी तो उनके 5.5 साल के MBBS करने का क्या सेंस। तो ये था पूरा माजरा NMC बिल को लेकर, प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट की स्कीम्स और आप पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि NMC बिल को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।